दोस्तों, क्या आप ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि हो SUV और हो कम खर्चे में एक पावरफुल गाड़ी, 2000 cc का इंजन का पावर मिले? गाड़ी भी ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर हो मॉडर्निटिक और एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाले फीचर, क्या उसमें एडास भी हो? तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आएंगे, लेके हाजिर है, यानी कि आप ही के पेज पे, यानी कि योर कार एडवाइजर यूट्यूब का नंबर वन चैनल। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही गाड़ी आपके लिए लेके हाजिर है जिसका इंजन है 1500 cc का, बट उसकी कैपेसिटी है 2000 cc की। तो दोस्तों, प्रेजेंट है Hyundai क्रेटा टॉप मॉडल, यानी कि SXO, IVT नहीं, TCT। दोस्तों, एक ऐसा इंजन जो कि घोड़े की तरह भागता है दोस्तों, जब आप भगाना चाहेंगे हाईवे पे, बट सिटी में चलाते वक्त आपको माइलेज भी अच्छी देगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं, रिव्यू करेंगे आज इस वीडियो में, आपको सारे ही एंगल्स बताएंगे, यानी कि 6 steps में आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, जिसमें आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, रियर व्यू, या फिर बात करें आपको ड्राइवर डोर पे, स्टेयरिंग पे, इंटीरियर पे क्या फीचर मिलते हैं, इंजन में, और लास्ट में रिव्यू भी करेंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आपको इस गाड़ी में क्या क्या फंक्शन और फीचर्स मिलते हैं, चलो चलते हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, पिछले 10 साल के मुकाबले एकदम से सडन हर एक चीज में चेंज आ चुका है, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, पहले हम कैश किया करते थे, आज की डेट में हम मैक्सिमम 10 रुपए की चीज लेने के लिए भी कैशलेस सर्विसेज यूज कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े की मार्केट हो, चाहे वो मोबाइल की मार्केट में हो, एक ड्रामेटिक चेंज आ चुका है। आज की डेट में हर एक चीज मैटर करती है, आपके पहनने का तरीका, या फिर फोन यूज करने का तरीका, टच की रिस्पॉन्स, हर एक चीज यूज की जाती है फोन में। बट दोस्तों, ऑटोमोबाइल भी बहुत तेजी से ग्रो किया है, बहुत चेंजेस आ चुके हैं, चाहे वो सेफ्टी के मामले में हो, चाहे वो आपके ड्राइविंग प्लेजर के मामले में हो, चाहे वो कंफर्ट के मामले में हो, चाहे वो फीचर के मामले में हो। 10 सालों में 2010 से लेके 2024 के आसपास आपको बहुत चेंजेस देखने को मिल गए हैं, कुछ कंपनी ने चेंजेस किए, कुछ गवर्नमेंट ने टेंडर अपने नॉर्म चेंज किए, आप देख सकते हैं कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने भी आपको 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दिए थे, या फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर चेंज कर दिए थे, या फिर अब VS6 स्टेज 2 आ गया, ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं। बट दोस्तों, आपका जो ब्रांड है समय के साथ चलने वाला ब्रांड है, यानी कि Hyundai जो आपका ब्रांड है टाइम के साथ चलने वाला, इसका मतलब ही दोस्तों क्या है, मॉडर्न, यानी टाइम के साथ चलने वाली गाड़ी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऐसी गाड़ी बनाने वाला। तो दोस्तों, आज आपके लिए गाड़ी लेके हाजिर हूँ Hyundai क्रेटा SX ऑप्शनल TCT वेरिएंट, जो कि एक बहुत रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी किन के लिए है। ये गाड़ी दोस्तों उनके लिए है जो चाहते हैं एक ऐसी गाड़ी जो कि हो वीकेंड पे या फिर हाईवे पे ड्राइव करते वक्त फील दे 2000 cc का जितना, बट खर्चा हो 1500 cc जितना। तो दोस्तों, ये गाड़ी उनके लिए ही बनी है, हाईवे पे भगाने वाली गाड़ी, या फिर बात करें एवरेज की परवाह ना करते हुए भागने वाली गाड़ी पसंद करते हैं, ये उनके लिए गाड़ी बनी है। पर दोस्तों, ये आपको एक चीज और गाइड करता हूँ कि ये जो टर्बो इंजन है बहुत एफिशिएंसीली भी काम कर सकता है और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छे से काम कर सकता है। बिकॉज एक टर्बो जो होता है वो कैसे काम करता है, मैं आपको ले लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे आपने गाँव में या घरों में देखा होगा कि हम घरों में चूल्हा जलाया करते थे, अगर उसमें नॉर्मल लकड़ लगाते थे तो आप बर्न करते थे, तो अच्छे से फ्यूल जो, यानी लकड़ जो बर्न आउट नहीं होती थी, कुछ ना कुछ फ्यूल उसका रह जाता था। पर जिससे हम घर में फूकना होता है, हमारे पंजाबी में कहा जाता है फूकना, या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्ड की जाती थी, जब हम उसमें फूक मारते थे उससे क्या होता था, जो उसका फ्यूल है यानी लकड़ है अच्छे से बल जाती, यानी जल जाती थी, जिसके कारण एडवांटेज क्या होता था, जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती थी। तो देखिए, टर्बो भी एक ऐसी चीज ही होती है जो कि सिमिलर पैटर्न पे काम करती है। तो टर्बो क्या होता है, ये जो टर्बो होता है गाड़ी की इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसे बढ़ा देता है। वो कैसे, आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं जब वो निकलती हैं हाई प्रेशर से, उसमें एक टर्बाइन लगी होती है, तो एक साइड से टर्बाइन घूमती है एग्जॉस्ट गैसेस से, जब वो टर्बाइन घूमती है तो फ्रेश एयर जो टर्बो होता है वो खींचता है आपके एनवायरमेंट से और इंजन में सप्लाई करता है जब उसके स्पेसिफिक RPM होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर आप आराम से गाड़ी चलाते हैं तो माइलेज निकलती है, जिस टाइम आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो परफॉर्मेंस भी निकल जाती है। तो दोस्तों, ये बात होती है टर्बो इंजन की, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप परफॉर्मेंस हाई गाड़ी स्पीड पे मांगते हैं उसमें माइलेज नहीं मिलती है, बट परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल मिलती है। हाँ, बट अगर सिटी ड्राइव करते हैं तो अच्छी माइलेज आज की डेट में टर्बो निकाल ही देते हैं दोस्तों। ड्राइविंग पे डिपेंड होता है किसी भी गाड़ी पे, चाहे आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी हो और आज के समय की गाड़ी, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशन हर एक टाइम पे मैटर कर जाता है, आज कुछ होगा कल कुछ और होगा, ये आप पे डिपेंड है आप ड्राइविंग कैसे करते हो। तो दोस्तों, चलो चलते हैं फ्रंट सेक्शन पे। अगर हम फ्रंट सेक्शन की बात करते हैं तो मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो है इसकी DRL। दोस्तों देखिए, Hyundai ब्रांड जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आता है अपने हर एक प्रोडक्ट में। आपने जैसे एक्सटर में देखा कि आपको H-शेप की DRLs मिली, वेन्यू में आपने बॉक्सी शेप की DRLs देखी, तो और ट्यूसन में आपने कुछ डिफरेंट लुक देखी। तो दोस्तों, आपका ब्रांड है कुछ ना कुछ नया अपग्रेड करता है, सिमिलर नहीं करता है। तो आपने क्रेटा में भी देखिए, तो इसकी DRLs है थोड़ी गाड़ी को एक बॉक्सी और मस्कुलर शेप दे रही है, जिसके कारण अगर आप रोड पे देखिए गाड़ी को प्रेजेंटेबल लगती है, अगर आप दूर से देखेंगे गाड़ी को थोड़ी ब्रॉड और एक ऐसे लगेगा कि भाई कुछ हैवी सी गाड़ी जा रही है, मस्कुलर सी और एक मसल मैन गार जा रही है,
जो कि बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों कंपनी कुछ ना कुछ समय के साथ चलती जा रही है, जैसे आप देखिए आज की डेट में आप मॉडिफाई कराते थे अपने इंडिकेटर सिक्वेंशियल शेप में चलते थे, तो दोस्तों हुंडई ने भी आपको टॉप वेरिएंट में अगर आप इंडिकेटर चलाते हैं आप देख सकते हैं जो इसके इंडिकेटर है सिक्वेंशियल शेप में चल रहे हैं, ऐसे ग्लो कर रहे हैं। तो देखिए कितना अपग्रेड है मार्केट से हुंडई कि आप जो जो कराते जा रहे हैं वो फीडबैक के लेके कंपनी आपके लिए कुछ ना कुछ फैक्ट्री फिटेड ही दे रही है, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है किसी भी एक ब्रांड के लिए जो कि मार्केट के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। जैसा आप चलना चाह रहे हैं वैसे ही कंपनी आपको फीचर प्रोवाइड कर रही है। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ध्यान दे दोस्तों, इसके अंदर आपको कौन से एलईडी मिलते हैं डियर आपके, इसे कहते हैं क्वाड एलईडी हेडलैम्प। अभी क्वाड क्या चीज होती है दोस्तों, चार लाइट्स को आप कह सकते हैं क्वाड, तो इसमें आपको क्वाड एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। अब इसमें दो जो हैं आपके जो होते हैं मेन लाइट्स हो जाती हैं, एक आपका कॉन्डिंग लैंप हो जाता है, चौथा जो बचता है वो आपका हाई बीम के लिए हो जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। देखिए एलईडी क्यों यूज होती हैं, देखिए एलईडीज क्या होती है, जो आपकी एनर्जी कंजप्शन है वो कम करती हैं, जिसके कारण के जो एनर्जी जो होती है आपकी यानी फ्यूल जो होती है उसकी कंजप्शन को रिड्यूस कर देती हैं, बैटरी पर लोड नहीं बढ़ता है, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ दोस्तों देखें कि कंपनी ने या फिर डिजाइन जो कॉन्सेप्ट है उसमें वेंटिलेशन का बड़ा ध्यान रखा गया, यानी कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं एरोडायनामिकली जो रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर सके, जिसके कारण गाड़ी स्टेबली बैलेंस होकर चले। अगर आप 150 की स्पीड भी चला रहे हैं गाड़ी अच्छे से भागे, आपको झोल या वाइब्रेशन ना महसूस हो और एयर की साउंड ना महसूस हो। तो आप देख पाएंगे इसके अंदर कर्टन्स भी दिए गए हैं, जैसी हवा आए चीरती हुई चले जाए आपको हर्डल ना बने, जिसके कारण गाड़ी बैलेंस होकर चलेगी आपकी। और अच्छी बात क्या है कि देखिए जब आप ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करते हैं एसयूवी बनी ही ग्राउंड क्लीयरेंस के लिए होती है, तो अगर आप आगे से ग्राउंड क्लीयरेंस की स्पेस की बात करेंगे तो अच्छा खासा स्पेस है, लगभग आप कह सकते हैं कि आधे फुट से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, यानी 200 मिलीमीटर के आसपास हो सकता है ये ग्राउंड क्लीयरेंस, जो कि अच्छी है। जब आप घर में पार्क करते हैं, अगर आप घर में अंदर लगाते हैं गाड़ी, उस टाइम आपने देखा होगा रैंप पे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कई बार टच हो जाती है, वो नहीं होगी, जो कि अच्छी बात है। साथ ही देखिए गाड़ी को मस्कुलर लुक दिखाने के लिए यानी कमांडिंग लुक दिखाने के लिए कंपनी ने क्या किया गया है कि आपका जो आगे का स्किड प्लेट है थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, हाइटेड इंक्रीज कर दी गई है, जिसके कारण जो गाड़ी की मस्कुलर लुक है यहीं से निखर के आ रही है। साथ ही जो कलर कॉम्बिनेशन है सिल्वर ब्लैक और बॉडी पेंट, उस डिजाइन को थोड़ा सा मॉडर्निटिक रखता है, मतलब कि आप गाड़ी जो है सिंप्लमेटिक लुक नहीं, अगर आप इसकी जगह एक व्हाइट पेंटेड आपका बंपर रहता सिंपल रहता तो अपीयरेंस नहीं आती, मजा नहीं आता। बट कंपनी ने अब थोड़ा सा चेंजेस यानी मस्कुलर दिखाना था गाड़ी को, तो इसमें ये चीज करके दी गई है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में अगर आप देखेंगे टॉप मॉडल होने की वजह से आपको फ्रंट आपको सेंसर्स भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही में अडास गाड़ी की वजह से होने से आपको फ्रंट में आपको रडार सेंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि दो एक नंबर में होते हैं। साथ ही अगर आप वेंटिलेशन की बात करेंगे दोस्तों, आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं भाई बहुत ज्यादा स्पेस दे रखी है, बहुत ज्यादा स्पेस है कि पत्थर कंकर लगेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। गाड़ी का जो डिजाइन होता है बहुत एक पैरामीटर से निकल के आती है गाड़ी, हर एक पैरामीटर पे टेस्टिंग होती है। तो देखिए नॉर्मली इस गाड़ी के जो ब्लॉक्स हैं 1, 2, 3 ब्लॉक्स खुले हुए हैं, जिसके कारण देखिए इतनी सी वेंटिलेशन होगी गाड़ी की कि जिसके कारण जो गाड़ी का इंजन है ओवर कूल्ड भी ना हो जाए, ओवर हीटिंग भी ना हो जाए, दोनों ही कंडीशन खराब है। अगर ओवर हीट होगी तब भी गाड़ी नहीं चलेगी, ओवर कूल्ड हो जाएगी तब भी गाड़ी नहीं चलेगी, क्या कहते हैं इक्वल बैलेंसिंग होगी हवा जानी चाहिए, जिसके कारण आपका एफिशिएंसी और माइलेज निकल पाए, जो कि अच्छी बात है। साथ ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एडास का और 360 व्यू यानी सराउंडिंग व्यू मिरर का फंक्शन दिया जाता है। साथ ही में आप हुंडई का लोगो देख सकते हैं, आप सैटन क्रोम फिनिश के साथ हो चुके हैं, किसी टाइम पे क्रोम फिनिश के साथ आया करता था, अब कुछ कंपनी ने चेंज कर दिए, उसके कारण आपको सैटन फिनिश मिलती है। देखिए आपको सैटन क्रोम में फायदा क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी आगे से आ रही है उसकी आंखों में शाइन, क्योंकि क्रोम शाइन पार्ट होता है, वो आंखों में नाट बले, जिसके कारण आपको सेफ्टी फंक्शन के पैरामीटर्स पे आपको दे दी गई है। और दोस्तों देखो इसमें भी एक चीज दिखाई गई है, एक रिलेशन दिखाया गया है कंपनी का और कस्टमर के बीच में, जो कि अच्छी बात है। साथ ही जो ग्रिल आपकी दी गई है ब्लैक पेंटेड के साथ है, इसे कहते हैं डार्क क्रोम पेंटेड ब्लैक के साथ आपको ग्रिल दी गई है, उसे कहते हैं पैरामेट्रिक ग्रिल। इस डिजाइन को पैरामेट्रिक नाम दिया गया है हुंडई की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा एक बॉक्सी अपीयरेंस दे रहा है, हर एक शेप हर एक डिजाइन हर एक एलिमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस चीज को। साथ ही अगर आप बोनेट की तरफ ध्यान दें स्ट्रेंथन की मामले में, आप अगर आप देखें किसी गाड़ी को स्ट्रेंथन करना हो यानी स्ट्रॉन्ग दिखाना, उसके अंदर करेक्टरिस्टिक लेनी यानी थोड़ी सी स्पेसिफिकली शेप दे देनी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है स्ट्रेंथन बच जाती है वाइब्रेशन। नॉर्मली जब आप गाड़ी चलाते हैं अगर नॉर्मल बोनट होता है उसमें वाइब्रेशन रहती है लॉन्ग टाइम पे जाके 3-4 साल बाद ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जिसके कारण अगर करेक्टरिस्टिक लाइन हो दो एडवांटेज, सबसे पहले तो एरोडायनामिकली जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है वो कम हो जाती है, दूसरा मस्कुलर लगती है गाड़ी, और
तीसरा मैं एक और चीज बताता हूँ, गाड़ी में स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी हैवी लगती है बोनट, और आपकी अगर कोई बंदा बैठ भी जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका दबेगा नहीं बोनट, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्रिस्टल सेफ लाइन का आपको मैंने एडवांटेज बता दिया है। ऑल ओवर अगर आप सेंटर में देखें, सबसे अच्छे पहले आपको एक रडार कैमरा मिलता है एडास को यूज करने के लिए, मतलब कि इसमें देखिए लगभग एडास की अगर आप बात करें 19 फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे यानी लेन असिस्ट है, आपका लेन फॉलो है, अगली वाली गाड़ी को फॉलो करती है, बहुत सारे सेंसर फीचर है, वो हम किसी दिन डिटेल में आपको बताएंगे, बट आपको बहुत सारे फीचर एडास के हेल्पफुल फीचर मिलते हैं जो कि आप कैमरा सेंटर में दे सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आपको क्या मिलता है, सन प्रोटेक्शन यानी सनशेड मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों, सन से प्रोटेक्शन हो जाती है लाइट की। साथ ही में जो पिलर है इसका ब्लैक पेंटेड के साथ मिलता है, जिसके कारण जो गाड़ी है अप टू डेट लग रही है मार्केट वाइज भी, और लुक्स वाइज अपीयरेंटली लुक अच्छी लग रही है। साथ ही अगर देखेंगे जो इसकी स्लीकनेस है, अच्छी खासी स्लीकनेस है, बट दोस्तों स्लीक होने से ये मतलब नहीं होता गाड़ी की स्ट्रेंथन कम हो जाती है, स्लीक होने से एडवांटेज होता है कि ब्लाइंड मोड इजीली विजिबल होता है, कि जब आप टर्न ले रहे हो गाड़ी से आपकी गाड़ी अच्छे से टर्न हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ना, एक ब्लाइंड मोड आपको इजीली विजिबल हो जाए। और दोस्तों 65% हाई स्टैंड एडवांस हाई स्टैंड सील होने से गाड़ी की स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं होती, और साथ ही आपको अच्छे से 35% मिलता है, जिसके कारण गाड़ी जो क्वालिटी है कोई कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं रहती है दोस्तों। तो ये बात होगी दोस्तों फ्रंट सेक्शन की। अब चलेंगे कहाँ, इस बार चलते हैं दोस्तों रिवर्स सेक्शन पे, देखेंगे रिवर्स से क्या फीचर है, फिर चलेंगे साइड व्यू पे। चलो चलते हैं फ्रंट सेक्शन से, अब आ चुके हैं बैक प्रोफाइल पे। देखिए गाड़ी की जो नेम है यानी कि क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल डीसीटी और टर्बो, अगर आप देखेंगे 1500cc जो टर्बो दे रखे उसकी बैजिंग सबसे पहले आपको देखने को मिलती जाती है, इससे आप दूर से ही पता कर सकते हैं ये गाड़ी कौन सा वेरिएंट है, यानी कि टर्बो टॉप एंड द लाइन वेरिएंट है और वन एंड ओनली वेरिएंट आता है इसके अंदर। तो दोस्तों जैसे अगर हम फ्रंट सेक्शन से बात कर रहे थे, गाड़ी मस्कुलर है, स्पोर्टी है, यानी रोड प्रेजेंटेबल गाड़ी है, यानी बॉक्सी शेप अपीयरेंस देती है, आपकी DRLs जो है कनेक्टेड मिलती हैं, एजी मिलती हैं। तो सिमिलरली कंपनी ने आपको टेल लैंप्स भी कनेक्टेड दे दिए गए हैं और एजी शेप के साथ है। नॉर्मली ये चीजें हम पहले बाहर से आउट ऑफ दी वे जाके कस्टमाइज कराते थे, जिसके कारण आप हमारी वारंटी वॉइड होती थी, कंपनी ने ये चीज सोची और आपको इनबिल्ट ही ये चीजें आनी शुरू हो गई हैं। अब हर एक ब्रांड देना शुरू कर रहा है कनेक्टेड टेल लैम्प, तो अच्छी भी है, लुक्स स्पोर्टी भी आती है, मस्कुलर भी आती है, उससे अच्छा फील एंड अपील भी आता है। अगर आप देखेंगे स्टार्ट करते हैं ऊपर से, सबसे पहले अगर आप ऊपर की तरफ ध्यान दें आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना। जब देखिए टॉप मॉडल है, सारे लोडेड फीचर तो आपको मिलेंगे, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जिसके कारण रेंज एंड स्टाइल अच्छा मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे आपको स्पॉइलर मिल जाता है विद हाई माउंटिंग लैंप, और ये हाई माउंटिंग लैंप भी आपको LED में मिलते हैं, जिसके कारण आपको को ड्राइवर की पीछे वाली गाड़ी को पता लग जाएगा आपने ब्रेक लगाई है, और ये ब्लैक पेंटेड के साथ दिया गया है, जिसके कारण जो गाड़ी की अपीयरेंस है बहुत अच्छे से निखर के आ रही है, अच्छी बात है। साथ ही अगर हम बात करें आपको इसके अंदर मिल जाता है डीफॉगर और विद मिलता है वाइपर के, जिससे एडवांटेज दोस्तों होता क्या है कि जब आप वेदर कंडीशन में गाड़ी चलाते हो, यानी कि फॉगी सीजन में चला रहे हो, बारिश के टाइम पे चला रहे हो, बर्फ में चला रहे हो गाड़ी, उस टाइम पे आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हैवी रेन हो रही है तो विजिबिलिटी नहीं होती, वाइपर और डीफॉगर आपको अच्छे से विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ड्राइविंग करने में मजा आएगा। साथ ही अगर आप DL की बात कर चुके हैं, हम कर चुके हैं पहले ही, सेंटर में अगर आप देखेंगे Hyundai का लोगो है, जो कि एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग पे कर रहा है। ऑल ओवर लुक्स अच्छी आ रही है, बट अगर यहाँ पे एक अच्छे से क्रेटा लिखा जाता तो बहुत अच्छी फील एंड अपील के साथ कुछ डिफरेंट भी लगता, जैसे Hyundai हर एक गाड़ी में आजकल कर रही है, वेन्यू लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा दे दिए गए, वैसा कुछ लिखी तो मजा अलग ही होता। साथ ही क्रेटा की बैजिंग नाम की आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप ध्यान दें सेंटर से, अगर आप देखें आपको क्या देखने को मिलता है, लाइट मिलती है, ये दोस्तों रिवर्स लाइट होती है, जब भी आप पार्किंग की तरफ करते हैं तो आपको मिड साइज में देने का एडवांटेज ये है कि आपको ब्रॉड विजिबिलिटी हो, ऐसा ना हो पैसे पहले क्या हुआ था किसी कोने पे दे दी जाती थी, जिसके कारण एक थोड़ा सा विजन मिलता था, बट अब आपको सेंटर में देने से विजिबिलिटी बढ़ गई है, जो कि बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। जैसे हमने देखी दोस्तों फ्रंट में, देखिए आपकी जो स्किड प्लेट है आपको सिल्वर कलर में मिल रही है, सिमिलर अगर आप इसमें देखते हैं स्किड प्लेट, अगर आप देखिए ध्यान से आपको सिल्वर फिनिश के साथ दे रखी है, सिमिलर आगे की तरह दे रखी है, थोड़ी आपको बड़ी बड़ी दी गई है, जिसके कारण मस्कुलर फील कंटिन्यू रखी गया है कंपनी की तरफ से। साथ ही पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं रिवर्स करते वक्त, बहुत अच्छा फीचर है ये चीज। और दोस्तों मैंने आपको फ्रंट में बताया था कि जब आप क्लाइम करते हैं आगे से क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से आपको क्लाइम करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आती, बट अगर दोस्तों पीछे से भी आपको अच्छी खासी सर्विस दिए वजह से आपको ये नहीं लगता कि भाई मेरी गाड़ी पीछे से भी टच हो जाएगी, लगभग आप मान के चलिए मेरे हिसाब से 2 फुट के आसपास फासला रहेगा,
जिसके कारण आपको 1.5 से 2 फुट से आपको ड्राइव करने में आपको यानी क्लाइंब करते वक्त कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। अगर आप अच्छे से क्लाइंब कर रहे हैं कहीं पे, उस टाइम पे आपकी गाड़ी पीछे से बम्पर जो है आपका रगड़ा नहीं जाएगा, जो कि अच्छी बात है। साथ ही अगर जो सेंटर में अगर आप देखें तो आपको मिलते हैं रडार के सेंसर, अगर आप देखेंगे जो कि एडास आ रहा है टॉप वेरियंट में, रडार के सेंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ। तो दोस्तों पार्किंग सेंसर को असिस्ट करने के लिए आपको दिया जाता है रिवर्स कैमरा। अब कैमरे की वैल्यू उनको पता है, जो खासकर लेडीज को पता है, जब रिवर्स करते वक्त आपको विजन मिल जाता है जिस कारण आपको ड्राइविंग करने में महसूस इजी होती है, या फिर हम भी जब ड्राइव करते हैं तो थोड़ी सी असिस्टेंस मिल जाती है, पता लग जाता है कि कोई आपकी हडल तो नहीं है पीछे, क्योंकि अच्छी बात है। साथ ही अडास का एक बहुत अच्छा फीचर आता है बैक करते वक्त, कि जब भी आप गाड़ी बैक कर रहे हैं उस टाइम पे अडास क्या करता है कि सडन अगर पेडल स्टिक आ रहा है, साइकिल आ रहा है, गाड़ी आ रही है, तो अगर थोड़ी नज़दीक आ गई ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग अप्लाई कर देगा। ये एडास का एक फीचर है दोस्तों, जो कि आपको रिवर्स करते वक्त देखने को मिलता है, जो कि बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। तो डिग्गी खोलने के लिए इसके लिए ट्रेल गेट इलेक्ट्रिकल दिया जाता है। पर दोस्तों एक चीज़ देखेंगे आप ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आपके जो ट्रेल गेट जब आप खोलते हैं DRL आपके बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने भी ये चीज़ अभी नोटिस की है इस चीज़ में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर हम डिग्गी खोलते हैं, इस चीज़ की स्पेस की बात करते हैं दोस्तों, हुंडई में स्पेस की कोई कमी नहीं है। क्रेटा के अंदर स्पेशली आपको 433 लीटर का लगेज रूम मिलता है, जो कि मोर देन नफ है, और सामान उतारना और चढ़ाना बहुत सुविधाजनक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। चाहे वो 20 किलो का लगेज हो, चाहे वो 15 किलो का लगेज हो, इजीली रख सकते हैं, उतार भी सकते हैं बड़े कंफर्टेबली। साथ ही पार्शियल ट्रे मिलती है, इससे दो एडवांटेज होते हैं, हल्का फुल्का सामान रखने से और ऊपर की स्पेस, ऊपर से आपको जो सामान आपने रखा हुआ है वो ना दिखे, जो कि अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको लगेज लैंप भी मिलता है, जिसका एडवांटेज रात में आपको पता ही लग जाएगा दोस्तों कि विजिबिलिटी अच्छे से मिल जाती है, जिसके कारण आपको कोई भी अगर आप सामान ढूंढ रहे हैं वो इजीली आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप दोस्तों राइट साइड में आते हैं, आपको बॉस का सबवूफर इसके अंदर बैक साइड पे देखने को मिलता है, जिससे आपको पता है म्यूजिक क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बास जो होती है म्यूजिक की वो इंक्रीज हो जाती है और अच्छे से मजा आता है ड्राइविंग करते वक्त। अगर हम देखिए दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर व्हील, तो इसको अगर आप ओपन करेंगे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है इसके अंदर 16 इंच का। आपको जो टायर साइज है वो मिलता है 17 इंच का अलॉय व्हील, बट इसके अंदर जो स्पेयर व्हील है 16 इंच का ही मिलता है। देखिए नॉर्मल जो स्पेयर व्हील होता है उसको एज अ स्पेयर व्हील ही यूज करना चाहिए, और दोस्तों 60 से लेके 80 के बीच बीच में ही गाड़ी चलानी चाहिए। अगर आप 100 पे चलाएंगे तो उसी बबल मिलेगी, बिकॉज 1 इंच कम है दोस्तों, तो स्पेयर व्हील को एज अ स्पेयर व्हील ही यूज करना दोस्तों, मेन व्हील ना यूज करना। अगर आपको लगता है कि फैमिली मेंबर कम जा रहे हैं या फिर सामान लगे ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो गाड़ी की सीट है 40-60 स्प्लिट होती है, एक सीट आप 60% वाली फोल्ड कर सकते हैं, अपना लगेज लेके जा सकते हैं अगर 3 पीपल हैं, जो कि बहुत अच्छा प्लस एडवांटेज है। साथ ही दोस्तों अच्छी बात क्या है कि देखिए हुंडई आपका जो ब्रांड है क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करता है, चाहे आपकी बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे वो सेफ्टी हो, हर एक पॉइंट पे पैरामीटर पे ध्यान रखता है। तो आपको अगर आप ध्यान दें बिल्डिंग की जो क्वालिटी है अच्छे से है, कोई वेल्डिंग का निशान नहीं है, जिसके कारण आपको एक पैसे लगाए हुए, यानी कि अगर आप देखें इसकी जो कीमत पड़ती है डीसी टर्बो की नियर अबाउट 19,99,900 रुपये कीमत पड़ती है, तो इस कीमत को जब आप पे करते हैं तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि भाई गलत पैसे पे कर दिए, आपने राइट जगह इन्वेस्टमेंट किया अपने पैसे की, तो जो बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए एडवांटेज हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम डिग्गी बंद करना चाहें तो यहाँ से आपकी डिग्गी बंद हो जाती है, आप ऐसे करिए आपको पुल कीजिए यहाँ से डिग्गी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये बात थी बैक साइड की कि क्या आपको फीचर मिलते हैं। तो चलो चलते हैं, आप कहाँ साइड में चलेंगे ना दोस्तों, फ्रंट भी किया रिवर्स भी किया, अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, देखते हैं आपको क्या फीचर मिलते हैं। चलो चलते हैं। तो रिवर्स खत्म करके अब आ चुके हैं साइड प्रोफाइल पे। देखिए आज हम जो वेरिएंट रिव्यू कर रहे हैं वो है टॉप द वेरिएंट, यानी कि SX ऑप्शनल DCT के अंदर। तो दोस्तों ये गाड़ी उनके लिए है जो भगाने के शौकीन है हाईवे पे गाड़ी, माइलेज का कोई मैटर नहीं करता, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, माइलेज अच्छी है अगर आप देखिए सिटीज में अच्छे से चलाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि घर में चूल्हा जलता है, आप ड्राइविंग के डिपेंड करता है आप कैसी ड्राइविंग करते हैं, अगर लोकल में चलाएंगे अच्छी माइलेज आएगी, हाईवे पे चलाएंगे जिस टाइम आप भगाएंगे गाड़ी भागेगी माइलेज कम आएगी, पर जिस टाइम आप माइलेज लेंगे गाड़ी से माइलेज भी निकालने की कैपेसिटी रखती है ये गाड़ी। तो दोस्तों साइड प्रोफाइल की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए जो गाड़ी का ऑल ओवर डिजाइन है, साइड प्रोफाइल है, पहले की तरह ऑलमोस्ट सिमिलर ही रखी गई है, कोई चेंजेस नहीं करे गए, बिकॉज आपको भी कुछ याद रहना चाहिए, कुछ पुरानी गाड़ी की भी यादें होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ऊपर से स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी रूफ रेल्स। अब ये रूफ रेल्स किस एडवांटेज में आती है, काम में आती है, देखिए रूफ रेल होने से गाड़ी की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है सरफेस से हाइट होती है वो ज्यादा लगती है, जिससे क्या होता है कि आपको एक ऊंची गाड़ी लगती है, रेजिस्टेंस भी कम होती है, साथ के साथ आपको लुक्स वाइज भी अच्छी लगती है गाड़ी, जो कि अच्छी बात है। साथ ही अगर आप देखेंगे हर एक गाड़ी में यानी हर एक कलर में आपको एक कलर की आपको स्ट्रिप मिलती है, सीट लेवल पे आप देख पाएंगे आपको इसे इंसर्ट देखने को मिलती है, जो कि आप जो भी कलर लें, चाहे आप ब्लैक लें चाहे आप व्हाइट लें, आपको हर एक कलर में आपको
सिल्वर कलर की इंसर्ट देखने को मिलती है, जो कि टेस्ट वाइज थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है गाड़ी को, लुक्स वाइज अपीयरेंस दिलाती है और मजा भी आता है देखते। अगर आप ऑल ओवर चीज एक और चीज देखें, आप पैटर्न है जो जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन आपने बोनेट पे देखी थी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल में भी देखने को मिलती है, जिसका एडवांटेज बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि एरोडायनेमिकली रेजिस्टेंस कम होती है और गाड़ी हाईवे पे हवा को चीरती हुई जाती है, बैलेंस होकर चलती है और गाड़ी की मस्कुलर फील भी दोस्तों आती है साथ के साथ। और एक और चीज देखिए, ब्लैक पैटर्न, देखिए मैं आपको बता रहा था कि ब्लैक पैटर्न से गाड़ी की जो मॉडर्निटिक लुक है वहीं से निकल के आती है, गाड़ी अच्छी लगती है, स्पोर्टी लगती है और एक ऐसी लगती है भरी हुई गाड़ी लगती है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमी रह गई है, ऐसा नहीं है। अगर इसी की जगह व्हाइट होता तो अजीब सी लगती गाड़ी, मजा नहीं आता। साथ ही आपको टॉप वेरिएंट होने की वजह से आपको इसके अंदर क्रोम डोर हैंडल्स भी मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है दोस्तों, थोड़ी सी क्रोमिश फिनिश आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर जो क्लैडिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ और एंड तक आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, डिजाइन कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे, आपने स्किड प्लेट देखी होंगी फ्रंट से दोस्तों, वही चीज आपको यहाँ पे दे दी गई है, साइड प्रोफाइल पे भी स्किड प्लेट दी जाती है, जिसके कारण जो डिजाइन एलिमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, जैसे फ्रंट में दी, रियर में दी, साइड में देने की वजह से आपको जो आपका डिजाइन एलिमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। अगर दोस्तों ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करते हैं तो लगभग दोस्तों 190 के आसपास होता है दोस्तों। अगर आप देखिए बेस मॉडल लेते हैं उसमें 16 इंच का टायर आता है, इसमें अगर बात करें 17 इंच का टायर आता है, उससे हल्की वो होती है, वो आपकी जो ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ी सी मैटर कर जाती है, तो लिटिल बुट आप नियर अबाउट आप कह सकते हैं 190 मिलीमीटर के आसपास होती है, जो कि जेन्युइन है, रिलायबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप खड्डों में चलाइए, चाहे आप प्लेन सर्विस में चलाइए, पहाड़ों में चलाइए, जहां मर्जी चलाइए, गाड़ी आप अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे, आपको फन टू ड्राइव मिलेगी, मजेदार ड्राइविंग मिलेगी। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर, आपको जो इंडिकेटर है OBRM पे देखने को मिलते हैं, जिससे एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपका को ड्राइवर यानी दूसरी तरफ से आ रहा है उसको भी पता लग जाए कि अगर आपने टर्न लिया हुआ है कि भाई ये बंदा टर्न ले रहा है, अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लो, हिट होने से बच जाती है। साथ ही आपको 360 व्यू का कैमरा इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको दो चारों एंगल पे दिया जाता है, जिसके कारण आपको स्पॉट बन जाता है स्क्रीन के अंदर। साथ ही आपको पडल लैंप मिलते हैं, जब भी आप गाड़ी को लॉक करें, अनलॉक करें, ये वेलकम करते हैं आप गाड़ी को, यानी आप गाड़ी के पास आ जाए तो वेलकम फीचर भी काम करते हैं इनके, और विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं आपको पडल लैंप, जो कि अच्छी एडवांटेज वाली बात है। अगर हम बात करेंगे जो अलॉय व्हील का डिजाइन है, पहले कुछ आप कह सकते हैं फ्लावरेटिक टाइप आता था, अगर आप देखें आप ये जो डिजाइन है एक रनिंग शेप वाला डिजाइन है अलॉय का, इसे हम बेसिकली कहते हैं डायमंड कट। अभी डायमंड कट क्या चीज होती है, ये कास्टेड अलॉयज होते हैं, उसके ऊपर मशीन कर दी जाती है, जिसे हम कह दिया जाता है डायमंड कट, जिनकी लुक्स अपीयरेंस अच्छी होती है एज ए नॉन जेन्युइन अलॉय से, क्योंकि अच्छी बात है। साथ ही इसके अंदर ABS प्लस EBD देखने को मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलती है फ्रंट के अंदर, बट दोस्तों एक चीज बताता हूँ आपको राज की बात, कि आपको पिछली साइड भी आपको डिस्क देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑल ओवर अगर व्हील बेस की बात करोगे, 26 डिस्क का व्हील बेस है, जो कि आपको पीछे वाले बंदे को बैठते हुए भी कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अगर हम दोस्तों टायर की बात करते हैं, प्रोफाइल की बात करते हैं, आपको क्या टायर प्रोफाइल मिलती है इसके अंदर, 215/60/8/17 का आपको टायर प्रोफाइल मिल जाता है, जो कि अच्छा प्रोफाइल है किसी भी SUV के लिए, 17 इंच का टायर देना बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर टर्निंग रेडियस की बात करते हो, टर्निंग रेडियस से क्या होता है कि कितनी कट ले लेती है, अब इसमें 5.3 का रेडियस का आपको टर्निंग रेडियस मिलता है, जो कि किसी भी SUV के लिए बहुत अच्छा टर्निंग रेडियस माना जाता है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही MacPherson के आपको सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि सॉफ्ट सस्पेंशन में काउंट होते हैं दोस्तों। जितना सॉफ्ट सस्पेंशन होता है, देखिए गाड़ी को खड्डों में से आपको वो जो वाइब्रेशन जर्क प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में, वो आपको ड्राइविंग सीट पे नहीं महसूस होती, स्टीयरिंग व्हील पे नहीं महसूस होती, जिसके कारण आपको ड्राइविंग करते वक्त मजा आता है, चाहे रफ ट्रेन में चला रहे हो, कहीं भी चला रहे हो, वो मजा आएगा आपको ड्राइविंग करते हुए। अगर हार्ड सस्पेंशन होता है, स्टीयरिंग और सीट पे आपको वो वाइब्रेशन जर्क महसूस होती है। अगर आप देखिए 17 इंच का लॉयड या टायर डलवाते वक्त भी आपके पास लगभग एक हाथ की स्पेस बच जाती है, जो कि अच्छी सस्पेंशन को काम करने के लिए स्पेस मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम दोस्तों क्लीनिंग की बात करें, जब आप वॉशिंग करेंगे तो अच्छी खासी स्पेस है, आपकी गाड़ी अच्छे से वॉश हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ऑल ओवर डिजाइन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुरानी गाड़ी की जो क्रेटा आती थी, रगेड लुक उसके साथ सिमिलर मैच कर जाती है, गाड़ी अपेरेटिवली मॉडर्न और एक पुरानी यादगार आपको दिखाती है साइड प्रोफाइल से। तो जब हम दोस्तों बात करते हैं बैक की, अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ आए, आपको रियर सीट में क्या कम्फर्ट फीचर्स मिलते हैं वो देखते हैं, चलो चलते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं बैक सीट पे, देखिए मैंने आपको बताया कि 26 इंच की आपकी व्हील बेस मिल जाता है, जिसके कारण जो पीछे वाला बंदा बैठा होता है उसको कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है। तो दोस्तों पीछे वाले बंदे के लिए भी हुंडई ने ख्याल पूरा रखा हुआ है आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसके अंदर सनशेड देखने को मिल जाता है जब आप गाड़ी का डोर खोलते हैं, इसका एडवांटेज दोस्तों हाईवे पे बहुत ज्यादा होता है, आपको धूप नहीं लगती है।
साथ ही में दोस्तों एक ध्यान रखना कि आपका सीरीज में चलान जरूर होता है। बेसिकली ये खड़ी गाड़ी के लिए होते हैं या फिर जब आप हाईवे पे चला रहे हो गाड़ी उस टाइम के लिए होते हैं। साथ ही अगर आप ऑल ओवर डिजाइन की बात करते हैं अंदर की, तो आपको ड्यूल शेड इंटीरियर मिलता है जिसके कारण आपको एक स्पेशियस कार महसूस होती है। अगर आप टॉप वेरियंट ले रहे हैं तो आपको इसके अंदर लेदर टच फील महसूस होगा। साथ ही आर्मरेस्ट पूरा वाइड है, पावर विंडो के स्विच और मेटल फिनिश के साथ आपको डोर डोर हैंडल मिल जाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि आपको बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि बहुत अपीयरेंस लुक्स वाइज भी अच्छा लगता है। 1 लीटर बॉटल होल्डिंग भी पीछे की तरफ मिल जाती है। और दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं, जैसी आपकी हाइट है या फिर कंफर्टेबल है। घर में बुजुर्ग भी होते हैं, उनको थोड़ा रिक्लाइनिंग पोजीशन पसंद होती है वो चीज़। और दोस्तों साथ ही में आपको कुशन्स भी मिलते हैं इसके अंदर, उसके कारण आपको नेक कुशन होने से घर में अगर फैमिली मेंबर जा रहे हैं उनको कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है। अब देखिए जैसी आपकी पोजीशनिंग, आप यहाँ पे ये पुलर बना होता है, अब पुल कीजिए। अब ये नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइट सीट है, अगर आप बात करेंगे थोड़ा पुल कर देंगे तो थोड़ी रिक्लाइन हो जाएगी सीट, जो कि अच्छी बात है। जब हम दोस्तों गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं, अब देखिए जब मैं एंटर करता हूँ गाड़ी के अंदर, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से मैं जूती झाड़ लेता हूँ पहले। तो जब मैं गाड़ी के अंदर एंटर करता हूँ, अच्छी बात है कि मैंने जो सीट है पूरी पीछे कर दी है आपके लिए, कि हाँ भी हमें पता लग सके गाड़ी के अंदर स्पेस भी है या नहीं है। दोस्तों मैंने सीट पूरी पीछे करने के बावजूद भी मैं बैठा हूँ, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं कंफर्टेबली जो सीट की एडजस्टमेंट है मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड सीट के अकॉर्डिंगली कर देता हूँ। तो दोस्तों ये बात ये होगी नॉर्मल स्टैंडर्ड सीटिंग के साथ, फिर भी सीट बहुत पीछे है दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी के आगे सीट बंदा भी 7 फुट का बैठा है तब भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, तब भी आपके पास अच्छे से बैठ पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अब 5.5 फुट का बंदा बैठा है, 6 फुट का बंदा बैठा है, तो अपनी सीट थोड़ी सी आगे होगी तो अपने पास स्पेस अच्छा खासा बन जाएगा। साथ ही अगर हम थाई स्पोर्ट की बात करेंगे तो दोस्तों ठीक ठाक थाई स्पोर्ट मिल जाता है और लेदर आपको सीट्स मिलती हैं इसके अंदर। अब लेदर सीट्स होने से आपको कंफर्टेबिलिटी का तो महसूस पता ही है दोस्तों कैसा होता है, आपको कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है, थोड़ा कुशनिंग ज़्यादा मिल जाता है, मज़ेदार ड्राइव हो जाती है। अब देखिए पीछे वाले बंदे को तो बेसिकली कंफर्ट भी चाहिए होता है, तो उसका आपको थाई स्पोर्ट अच्छा दिए होने की वजह से कंफर्टेबिलिटी वो बैठ सकता है और स्पेस भी अच्छी खासी मिल जाएगी उसको। साथ ही नेक कुशन मैंने आपको बताया कि कंफर्टेबिलिटी महसूस कराते हैं, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आपका हेडरेस्ट भी रिमूव हो जाता है, नेक कुशन भी रिमूव हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों छोटे बच्चे जैसे शरारती होते हैं उनके लिए सीट बेल्ट का भी आपको ध्यान रखा गया कि आप सीट बेल्ट लगाएं, उनकी बिठाएं अच्छे से और सेफली आप जा सकते हैं। और साथ ही छोटे बेबी का भी ध्यान रखा गया है, आइसोफिक्स जैसी सीट्स आती हैं जो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं वो भी आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी। साथ ही में दोस्तों जब एक लग्जरी गाड़ी में बैठे हो तो सनरूफ का मजा सिर्फ आगे वाले ही क्यों ले, पीछे वाले को तो मजा आना चाहिए। देखिए सनरूफ का जो पूरा व्यू है पैनारोमिक है, जिसके कारण जब भी ये कर्टन खुलेगा तो पूरा व्यू दिखता है आपको पीछे से, जिसके कारण कि आपको मजा आएगा। जब भी आप बारिश हो रही हो, रात का समय हो, तो उस टाइम पे आपको एंजॉयबिलिटी मिलेगी और मजा आएगा बैठते हुए। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों सेंटर की, तो आपको सेंटर में इसके अंदर देखने को मिल जाता है रियर एसी वेंट, और साथ ही आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं चार्जिंग के। अब घर में लड़ाई तो नहीं होगी दोस्तों बिल्कुल भी, कि सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर क्या देखने को हमें मिलता है, आपको स्टडी लैंप मिल जाते हैं। अब देखिए दूसरे बंदे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, आप अपना कुछ पढ़ना चाहते हैं अपना लगाइए और पढ़ सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। साथ ही अगर आप देखेंगे ऑल ओवर जो गाड़ी की स्पेस है बहुत अच्छी है दोस्तों। देखिए 3 बंदे अगर आप कंफर्टेबली बैठे हो तो इजीली आप इसमें, देखिए स्पेस अच्छी है, मेरे जैसे अगर 3 बंदे बैठे हो तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बॉस का म्यूजिक सिस्टम हो, स्पेस अच्छी ठीक ठाक हो और कंफर्टेबली लेदर सीट के साथ बैठे हो तो एंजॉयमेंट क्यों ना हो लंबे समय के लिए। अब देखिए पीछे से अगर आप डिज़ाइन देखें गाड़ी का फ्रंट का, तो बहुत ही सुपीरियर लग रहा है, ऐसा लगता है भाई हम किसी जहाज में बैठे हैं और पीछे हम एक पैसेंजर बैठे हैं जो कि कंफर्टेबली होकर बैठे हैं, जो कि बहुत मज़ेदार और लग्जरी फील देता है गाड़ी के अंदर। ऑल ओवर अगर हम बात करें गाड़ी की स्पेस अच्छी खासी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम की बात करते हैं दोस्तों किसी भी गाड़ी में, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हल्का सा हम्प तो होता ही है, बट ये जस्टिफाई हो जाएगा क्योंकि एक SUV गाड़ी है जिसके कारण आपको स्पेस अच्छी खुली डुली होने की वजह से हम का ये महसूस नहीं होता, क्योंकि ऑल ओवर अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम देखेंगे इसके अंदर और चीज़ें कि आपको बेल्ट की आपको एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखें सेंटर से देखें आपको लाइटिंग का प्रोविजन भी मिल जाता है सेंटर के लिए, तो ये बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं, आगे आपको बताएंगे वीडियो के अंदर। ऑल ओवर अगर हम लुक की बात करते हैं बहुत अच्छी है ड्यूल टोन होने की वजह से। और अच्छी बात क्या कि अगर आप कुछ खाना पीना इन्जॉय करना चाहते हैं, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर, आप वो भी इन्जॉय कर सकते हैं, जो कि मज़ेदार राइड के साथ आपको लग्जरी फील का भी अपीयरेंस देता है। तो दोस्तों ये बात होगी गाड़ी के इंटीरियर की और पिछली वाली सीट की। अब चलेंगे कहाँ पे बैक पे, नहीं दोस्तों बैक तो हम पहले कर चुके हैं, अब चलते हैं ड्राइवर डोर पे, देखेंगे आपको क्या फंक्शन एंड फीचर्स मिलते हैं, चलो चलते हैं। दोस्तों अब हम रियर सीट से आके आ चुके हैं ड्राइवर डोर पे।
दोस्तों जब आप ड्राइवर डोर पे आएंगे तो आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि कीलेस और स्मार्ट एंट्री मिलती है। अब देखिए कीलेस के साथ स्मार्ट क्या है फीचर, इसके अंदर की के अंदर बहुत अच्छे फीचर दे रखे हैं। सेंट्रल लॉकिंग के बटन के साथ आपको मिलता है थर्ड बटन पे होल्ड का बटन। अब ये होल्ड के बटन से एडवांटेज क्या, घर से निकलने लगे हैं आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, समर्स में एसी ऑन कर सकते हैं, विंटर में आप हीटर ऑन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। साथ ही दोस्तों क्रोम डोर हैंडल इसके अंदर मिलते हैं विद आपको स्मार्ट एंट्री मिलती है, मतलब पॉकेट में से चाबी निकालने की नेसेसिटी नहीं है, बटन दबाइए गाड़ी खुल जाएगी, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है, एडवांटेज वाला फीचर है। साथ ही दोस्तों जब हम एडास की बात करते हैं तो दोस्तों हुंडई सेफ्टी पे बहुत ध्यान रखता है। आपको अगर आप देखें यहाँ पे वार्निंग सिग्नल दिए जाते हैं कि अगर आपको कोई क्रॉस करता है तो आपकी जो आपका मिरर है ORBM है उस पर पता लग जाएगा कि हाँ भी रेड लाइट ग्लो कर जाएगी, इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको अलर्ट मिल जाएगा कि भाई कोई मुझे क्रॉस कर रहा है, मैं गाड़ी को कंट्रोल कर लूँ स्पीड के मामले में। ऑल ओवर अगर हम बात करें, कैमरा मैन जी नजदीक लाए थोड़ा सा, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर जो है सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, चाहे वो पावर विंडो के स्विच हो, चाहे आपके सेंट्रल लॉकिंग के फंक्शन हो, चाहे आपके छोटे बच्चे शरारती हैं घर में उनकी पावर विंडो लॉक करनी है आपने, वो फंक्शन मिल जाएगा। ऑटो डाउन का फंक्शन है, पावर विंडो सेंट्रल लॉकिंग का बटन हो गया, साइड में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हो गए, फोल्डेबिलिटी का भी फंक्शन है। दोस्तों देखिए इस गाड़ी में आता है वेलकम फंक्शन, मतलब गाड़ी को अनलॉक लॉक करने पे आपको गाड़ी के ओवेरम है खुल जाते हैं, बट अगर आप बटन दबा देंगे फोल्डिंग का तो आपके ओवेरम काम नहीं करेंगे जब आप गाड़ी के पास आएंगे अनलॉकिंग के लिए, तो ये चीज़ अच्छी है। साथ ही में पेडल लैंप्स मिल रहे हैं आपको, जब भी आप गाड़ी के पास आते हैं तो ये पेडल लैंप ग्लो कर जाते हैं, और 360 व्यू का आपको कैमरा तो इसी के अंदर मिल ही जाता है, जो कि अच्छी बात है। और साथ ही में दोस्तों देखने वाली बात क्या है कि आपको DCT की बैजिंग भी मिल जाती है। अब DCT मैं बोल रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ये चीज़ क्या है, किस बला का नाम है, ये DCT और ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन होता है। आगे जब हम इंजन पे जाएंगे इसके बारे में भी बताऊंगा आपको मैं। तो दोस्तों जब हम डोर खोलते हैं गाड़ी की जो हाइट एडजस्टमेंट है या फिर आगे पीछे है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, मतलब आप 8-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कंफर्टेबली आप एडजस्टमेंट करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों अब चलेंगे गाड़ी के अंदर, इंटीरियर देखते हैं सीट पे क्या फीचर मिलते हैं, चलो चलते हैं। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, जब मैं गाड़ी के अंदर एंटर किया तो मेरी निगाह पड़ी बॉस के म्यूजिक सिस्टम की। तो देखिए हर एक डोर पे बॉस का जो है स्टिकर लगाया गया है, जिससे पता लगता है कि गाड़ी के वेरिएंट में आपको बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, ऊपर की तरफ आपको ट्विटर भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों जब मैं पहली बार में गाड़ी के अंदर एंटर करता हूं तो मुझे एक ऐसा फील आता है कि किसी की मैं एक बड़े जहाज के अंदर बैठ चुका हूं, जिसके अंदर पूरे लोडेड फीचर दिए गए हैं। और ये वेरिएंट दोस्तों है टॉप द लाइन वेरिएंट SX ऑप्शनल DCT, जो कि कॉस्ट करता है 19,99,900 रुपये, जो कि बहुत आपको प्राइस वाइज ज़्यादा लग रहा होगा, बट दोस्तों एक्चुअल में है नहीं दोस्तों, बिकॉज यही फीचर अगर आप परचेज करने जाएं किसी लग्जरी सेगमेंट के ब्रांड में तो लगभग 50 लाख से कम नहीं फीचर मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने आपको 19 लाख में पैकेज में ये दे दिए हैं। तो दोस्तों जब मैं गाड़ी के अंदर एंटर करने लगा तो सबसे अच्छे फीचर्स क्या लगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स और साथ ही में डी कट स्टीयरिंग विद लेदर रैप मिलता है आपको, जिससे कंफर्टेबिलिटी के साथ साथ अंदर जाना और बाहर निकलना बहुत सुविधाजनक मिल जाता है। साथ ही में अगर हम बात करें इसके अंदर स्टीयरिंग की एडजस्टेबिलिटी, मैं अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ, चाहे मैं टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी करना चाहूँ वो भी हो सकती है, तो ये इसका एडवांटेज है, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें पुश बटन स्टार्ट दिया गया है बटन, तो बटन दबाएंगे गाड़ी का तो क्लस्टर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऑन हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा अप टू मार्केट वाला फीचर है इसके अंदर। और देखिए जो क्लस्टर है, अगर हम नीचे वाले वेरिएंट्स में जाते हैं यानी SX में जाते हैं, SX टेक में जाते हैं, उसमें जो क्लस्टर है जैसे आप i20 में वगैरह में देखते हैं वैसा मिलता है, बट अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं यानी टॉप वेरिएंट लेते हो उसके अंदर जो क्लस्टर है यानी अल्काज़ार या फिर ट्यूसोन वाला मिलता है, जो कि बहुत अप टू मार्केट और एक नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम क्लस्टर की सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए इसका जो पैनल है पूरा आपको कनेक्टेड मिलता है और पूरी आपको स्क्रीन मिलती है, जो कि बहुत अप टू मार्केट जहाज जैसी फीलिंग आती है, मज़ा आता है देख के। पहली बार में तो ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े जहाज में बैठे हुए हैं। दोस्तों ये चीज़ आज की डेट में ट्रेंड हो चुकी है, हर एक बंदा आज की डेट में जैसे सेल्टोस ने दे दिया है और अदर ब्रांड्स देने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में, तो बहुत अच्छे फीचर है। तो अगर हम क्लस्टर की तरफ ध्यान से दें तो अच्छी बात क्या है, गाड़ी के अंदर आपको जो क्लस्टर इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर ब्लाइंड मोड स्पोर्ट होता है। दोस्तों जब भी आप देखिए मोड़ेंगे गाड़ी, तो जब भी आप गाड़ी मोड़ें तो आपको जो ब्लाइंड स्पोर्ट है इसके अंदर देखने को मिलता है। मैं दोबारा स्टार्ट करके आपको दिखाता हूं, तो जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं इसके अंदर फंक्शन ये आपको देखने को मिला, मैं देखिए अब देखिए जो ब्लाइंड स्पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, जब मैं लेफ्ट करता हूं जब मैं राइट करूंगा तो आपको विजिबिलिटी मिल रही है। तो दोस्तों ये आपको ब्लाइंड स्पोर्ट इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों ये, जब भी आप ड्राइव करें।
साथ ही अगर आप बात करें इसके अंदर कि आपको जो क्लस्टर है बहुत ही सुपीरियर अप टू मार्केट दिया गया है, जैसे आप अपना ड्राइव मोड चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका ड्राइव मोड भी चेंज हो जाता है। इसके अंदर अभी डोर खुला हुआ है दोस्तों, ताकर के आपको विजिबिलिटी उस चीज की आ रही है, अदरवाइज दूसरा भी आपको जो आपका आरपीएम मीटर है, फिर बात करें आरपीएम मीटर, वो आपको विजिबिलिटी होगी राइट साइड पे। तो अगर हम क्लस्टर की बात करते हैं, सबसे पहले क्लस्टर पे क्या क्या देखने को मिलता है, क्लस्टर पे आपको सबसे पहले तो आपको जो लेन असिस्ट है उसका सिंबल आ जाएगा, साथ ही में आपको करंट ट्रिप, अपने सेंस रिफ्यूलिंग सारा कुछ इसके अंदर दिखाता है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही में डायरेक्शनल दिखाएगा इसके अंदर भी, कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी खड़ी है, साथ ही में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का भी फीचर इसके अंदर दिखाया जाता है, जिसके कारण आपको पता लग सके भी आपके टायरों में कितनी हवा है। देखिए टायर में हवा ना हो तो दोस्तों ड्राइव भी नहीं कर सकते गाड़ी, तो ये बहुत एक सेफ्टी वाला फीचर है आपको इसके अंदर दे दिया जाता है, वो भी आपको डिजिटलाइज दिया जाता है, कोई सिंपल नहीं आता, डिजिटल आपको पता लगता है कि क्या फीचर है। साथ ही अगर आप थोड़ा सा स्टेयरिंग की तरफ आएँ तो थोड़ी सी अप टू मार्केट वाली फीचर आपको इसके अंदर मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर आप स्टेयरिंग की तरफ देखिए, पियानो फिनिश के साथ आपको ब्लैक टोन के साथ आपको स्टेयरिंग पे फिनिशिंग मिलेगी, जो कि बहुत अप टू मार्केट वाला फीचर है। साथ ही अगर दूसरी साइड भी देखेंगे सिमिलर है, सेंटर में ह्यूंडई का लोगो है, लेदर टच दी गई है, और दोस्तों अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं, जो कि एक अप टू मार्केट एक स्पोर्टी कार वाला फीचर है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा फील एंड अपील देता है दोस्तों। अगर हम स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स की बात करते हैं, राइट साइड पे क्रूज का बटन, क्लस्टर इन्फॉर्मेशन आपको आगे पीछे ट्रैक करने के लिए, लेन असिस्ट यूज़ करने के लिए, यानी आपके जो स्मार्ट क्रूज होता है उसको यूज़ करने के लिए, मतलब कि अगली वाली गाड़ी को फॉलो करता है अगर आप स्पीड डिस्टेंस को मेंटेन कर सकें, साथ ही अगर आपका एक क्रूज की स्पीड यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज भी हो सकती है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड पर आएंगे, फ़ोन को उठाना, म्यूट करना, वॉइस असिस्ट यूज़ करना, मोड चेंज करने अपने यहीं से हो सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर हम दोस्तों देखिए पैनल को आप ध्यान से देखें, टू टोन में इंटीरियर दिया गया है, बट तीसरा कलर जब गाड़ी के अंदर आया तो सुपीरियरनेस दूर से ही दिखने को मिलती है। पीच कलर का जो दिया गया है इंसर्ट, जो कि बहुत अप टू मार्केट लग रहा है, पैनल को एक अच्छी फील एंड अपील दे रहा है। तो साथ ही में अगर आप बात करेंगे राइट साइड में, आप क्या देखने को मिलता है, मुझे एक मैग्नेट देखने को मिलती है, जो कि बेस मॉडल से मिल जाती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट सामान आपने यहाँ पे लगाना है मैग्नेट परचेज के लिए, वो यहाँ पे मेटल पीस पे लगाइए, तो आपको बहुत अच्छे फीचर का मजा मिल जाएगा, प्रैक्टिकली यूसेज फीचर है दोस्तों। साथ ही अगर आप बात करेंगे वेंट एसी का दिया गया है नीचे की तरफ को, देखिए पहले क्या हुआ करता था, ओवल शेप में आया करता था, अब थोड़ा सा मेट्रिक दे दिया गया है कंपनी की तरफ से, तो थोड़ा सा चेंज हो गया है सिल्वर इंसर्ट के साथ, तो थोड़ी सी अपीयरेंस गाड़ी की अच्छी आती है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे पुश बटन स्टार्ट का फंक्शन, ऑटो स्टार्ट ऑफ करने का फंक्शन दिया जाता है, ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन दिया जाता है, साथ ही में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी बंद करने का ऑप्शन यहीं पे दे दिया जाता है, और हेडलाइट के एडजस्टमेंट का फीचर तो यहीं पे आता है, तो जो कि अच्छी बात है। साथ ही अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सेंटर में, आपको मिलता है टच स्क्रीन, जो कि 10 इंचेस का मिलता है, आपको मैपिंग वगैरह सब कुछ इनबिल्ट ही इसके अंदर मिल जाता है। और दोस्तों अच्छी बात आपको मैं एक दिखाता हूँ, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था काफी टाइम से। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपको इसके अंदर यूजर हो रहा है, जितने में यूजर अपडेट होता है उतने में हम दोस्तों और फीचर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें इंटीरियर की तरफ, थोड़ा ब्लैक जो पेंटेड कलर के साथ दिया गया है या फिर पियानो फिनिश दिया गया है, जो कि अप टू मार्केट लग रहा है, थोड़ा सा गाड़ी के इंटीरियर को मैच करता है। अगर आप दूसरी साइड पैसेंजर वाली साइड पर देखेंगे, वहां पर भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी आप ब्लैक पेंटेड की फिनिश दी गई है, जो कि अच्छी लग रही है। नीचे वाले वेरियंट्स में आपको मैट फिनिश आती है, इसके अंदर थोड़ी पियानो दी गई है, और साथ में एयरबैग का सिंबल भी दिया गया कि भाई गाड़ी के अंदर एयरबैग्स हैं, क्योंकि आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ को जब आते हैं, इसके अंदर थोड़ी स्पेस भी दे दी जाती है, जैसे आप एक्स्टर में वेन्यू में आपने देखी प्रैक्टिकल फीचर, जैसे कुछ आपने सामान रखना हो वहाँ पे रख सकते हैं, यूसेज आपको अच्छे से हो जाएगी दोस्तों। साथ ही अगर आप आ चुके हैं मोड हो चुका है, देखिए ड्राइवर मोड आते हैं जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, ड्राइवर मोड आ चुके हैं, घर में अब एक या दो ड्राइवर है उसके अकॉर्डिंगली आप फंक्शन यूज करते हैं। मैं कंफर्म कर लेता हूँ फिलहाल, तो अभी स्विच कर रहा है प्रोफाइल को भी, अभी प्रोफाइल उठाएगा, भाई हो चुकी है प्रोफाइल अपडेट, अब हम करते हैं स्टार्ट। जब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो देखने वाली चीज है जो नई आई है वो क्या है, 10 इंच का जो टच है बहुत सुपीरियर दोस्तों, एक रिस्पांस में ही साथ में रिस्पांस कर रहा है। इसके अंदर जो नई चीज आई है वो दोस्तों है जियो सावन। अभी जियो सावन ऐप इसके अंदर ही आप ब्लूलिंक के साथ कनेक्ट हो जाती है, इनबिल्ट ही गाने चलते हैं, अब आपको अलग से ब्लूटूथ कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, पेनड्राइव लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका कनेक्ट हो जाएगा म्यूजिक प्लेयर। और साथ ही नेविगेशन और जो फीचर पहले अभी आते थे वो चीज़ आपको देखने को मिल ही रहे हैं। अब ये जो एसी है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसके अंदर आपको फंक्शन दिया जाता है ड्यूल एफएट एसी, मतलब आपके पैसेंजर साथ में जो बैठे हुए हैं वो अपना अलग टेम्परेचर रख सकते हैं, जब अगर आपको हीटर चाहिए तो अपना अलग रख सकते हैं, उनको एसी चाहिए तो वो अपना अलग रख सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट,
यूएसबी सॉकेट और वायरलेस चार्जर भी दिया जाता है दोस्तों। टॉप मॉडल है तो ये फीचर तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। पियानो फिनिश है, जो पायलट स्टाइल की लुक है अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो पायलट फिनिश दी गई है, जो कि अब तो मार्केट वाला फीचर लग रहा है। ऐसा नहीं लगता भाई कोई सादी सी गाड़ी में आ गया, ऐसा लगता है किसी भाई जहाज में बैठे हुए हैं हम। और देखिए फिनिश भी लाइक जहाज भी लग रहे हैं कि हाँ भाई हमने जैसे टेक ऑफ करना हो जहाज तो वैसी वैसी फीलिंग दी गई है, जो कि अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई। साथ ही आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ इसके अंदर नॉर्मल आ गया, ये स्पोर्ट्स आ गया, ये इकोनॉमी आ गया, आप अपने अकॉर्डिंग मोड भी चेंज कर सकते हैं। ड्राइव मोड के साथ आप कह सकते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं इसको ट्रैक्शन मोड भी दिए जाते हैं, मड सैंड स्नो जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली करना है वो भी आप कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया जाता है। ऑटो होल्ड क्या चीज होती है? ऑटो होल्ड दोस्तों होता है जब आप लाइटों पे ब्रेक लगाएं, बार बार ब्रेक ना लगाने पर ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेक लगा ले, जब तक आप रेस नहीं देगा गाड़ी में तो आपकी गाड़ी नहीं मूव होगी। दोस्तों टॉप मॉडल होने की वजह से आपको वेंटिलेटेड सीट का भी फंक्शन दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, गर्मियों में बहुत काम आने वाला है ये फीचर। और दोस्तों चलती गाड़ी में जब वेदर खराब हो, आपका विजिबिलिटी ना हो, तो ये बटन दबा दीजिए एक बारी तो आपका जो कैमरा है लाइव चलेगा और दोस्तों 360 व्यू कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, तो देखिए गाड़ी खड़ी हुई है तो गाड़ी का पूरा ऑल ओवर व्यू मुझे देखने को मिल रहा है। तो कितनी अच्छी बात है कि मुझे सराउंडिंग का सारा पता लग जाए कि मेरी गाड़ी कैसे चल रही है, सराउंडिंग में कुछ है तो नहीं, वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, जो कि अच्छी बात है। आपको आर्मरेस्ट पे लेदर टच दिया गया है और स्पेस भी अच्छी खासी दी गई है। और दोस्तों ये जो वेरिएंट है इसके अंदर पहले टॉप मॉडल में आपको एयर प्यूरीफायर मिला करता था, बट अब जो एयर प्यूरीफायर है आपका इंटीग्रेटेड ही कर दिया गया है। साथ में अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हैं एम्बियंस लाइट आपको इसके अंदर आती है, पर दोस्तों दिन की वजह से नहीं आपको देखने को मिल रही है। अब स्पेस के मामले में आपको अच्छी खासी ग्लव्स बॉक्स दिया गया है विद आपको कूलिंग इफेक्ट के साथ दिया गया है, जो कि अच्छा फीचर है, यूजफुल फीचर है। जब भी आप कोई ठंडी चीज़ करना चाहेंगे, चिल करना चाहेंगे, वो चीज़ हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएँ तो आपको इसके अंदर क्या मिलता है, ऑटो डिमिंग मिरर विद ब्लूलिंग फंक्शन। अब ब्लूलिंग क्या चीज़ है? देखिए ब्लूलिंग एक कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है, जब भी आप कहीं पे भी हो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, आप अपनी गाड़ी से कनेक्टेड हो सकते हैं, चाहे आपने ट्रैक करनी है, गाड़ी अनलॉक करनी है, लॉक करनी है, ऐसे 72 फीचर आप इसमें से यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने आपको दिखाया था सनशेड के साथ, आपको इसके ऊपर पिछली तरफ आपको रडार भी एडास का देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप बात करेंगे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है सनग्लास होल्डर, यहाँ पे देख सकते हैं आप सनग्लास ओपन कर सकते हैं, लाइटिंग का फंक्शन मिल जाता है। और सेंटर में तो असली चीज है दोस्तों, इसके अंदर मिलता है सनरूफ ओपन करने का फंक्शन। अब देखिए हो रहा है सनरूफ ओपन हमारा। देखिए जब आप रात में ड्राइव करते हैं और बच्चों की जिद हो सनरूफ वाली गाड़ी लेने के लिए, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी है। पूरा सनरूफ खुल जाता है, जब हम सनरूफ खोलते हैं तो ओवरलैप करता है, ये देखिए ये सनरूफ खुलता है जब तो ओवरलैप करता है दोस्तों, ओवरलैप कर जाएगा जब हम बंद करना चाहेंगे, इसी बटन को बटन दबाएंगे आगे को और ये बंद भी हो जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। जब आप जाएं बच्चों की मेल नहीं यही जीत रहती है, गाड़ी के अंदर सनरूफ होना चाहिए। और दोस्तों देखने वाली बात क्या है कि गाड़ी के अंदर जब हम बैठे हो तो विजन मैंने आपको जैसे पीछे बैठ के दिखाया था बहुत अच्छा आपको मिलता है, जब आप रात में बारिश हो रही हो तो बहुत अच्छा फील एंड फील आता है, जो कि अच्छी बात है गाड़ी के अंदर बैठ के, मजा आता है गाड़ी के अंदर बैठ के। ऑल ओवर अगर हम गाड़ी की लुक की बात करें बहुत अच्छी है दोस्तों। और जब हम ड्राइविंग की बात करते हैं तो आपको डेड पेडल, आपको ब्रेकिंग की यूसेज का फीचर बहुत कंफर्टेबली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेल्ट एडजस्टमेंट दी गई है, बाकी जो बेस मॉडल से ही 36 स्टैंडर्ड फीचर आ ही रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, हिल असिस्ट है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, वो आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। तो ये बात होगी गाड़ी के इंटीरियर की, अभी क्या क्या फीचर मिलते हैं क्वालिटी वाइज, ड्राइविंग वाइज बहुत अच्छे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर कि कैसे कैसे गियर शिफ्ट होते हैं, कैमरा में थोड़ा सा नजदीक लाएं, अब देखिए पी फॉर पार्किंग होता है, आर फॉर रिवर्स होता है, एन फॉर न्यूट्रल होता है, डी फॉर ड्राइविंग होता है आपका। तो आप और अगर आप मैनुअल ड्राइव करना चाहते हैं इसको लेके आइए, यहाँ पर ले आइए, आप पैडल शिफ्टर से अपने गियर भी प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं, तो आप ऐसे अपनी ड्राइविंग कर सकते हैं। जब भी आपने गाड़ी ब्रेक लगानी है दोस्तों पार्किंग में ही गाड़ी रोकनी है, और दोस्तों हुंडई गाड़ी आपकी पार्किंग के बिना स्टार्ट नहीं होगी, याद रखना हमेशा। और दोस्तों जब भी आपने बोनट खोलना हो यहाँ से बटन दबाइए तो आपका बोनट खुल जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे गाड़ी के इंजन की, जो कि मेन पार्ट है गाड़ी का, साथ ही बताएंगे ट्रांसमिशन कौन सा आता है, कब लेने में एडवांटेज है, कब आपको पैसा ये 20 लाख रुपया लगाना चाहिए, कब एडवांटेज है इसका। तो चलो चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में। दोस्तों अब आ चुके हैं फ्रंट सेक्शन पे, यानी कि इंजन के पास। दोस्तों आज हम रिव्यू कर रहे हैं SX ऑप्शनल DCT वेरिएंट, जो कि टॉप द लाइन वेरिएंट है SX ऑप्शनल। अब देखिए इसकी कीमत जो है 19,99,000 रुपया है, लास्ट में रिव्यू करेंगे, देखेंगे किन के लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों जब हम हुड खोलते हैं, हुड की क्वालिटी से हम जज करते हैं, यानी ले लैंग्वेज में देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, तो अच्छी क्वालिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी क्वालिटी के साथ साथ आपको साउंड प्रूफिंग भी की गई है, इसके अंदर दी जाती है इंसुलेशन, जिसके कारण जो नॉइस होती है इंजन की वो आप तक नहीं पहुंचेगी, बहुत कम हो जाती है। साथ ही इसके अंदर दिया जाता है एक
जंगली घोड़े जैसा इंजन यानी 1500 सीसी टर्बो विद एडीसीटी। अब ये इंजन जो है ऐसा इंजन है कि जब आप माइलेज मांगेंगे माइलेज देगी, जिस टाइम आप भगाएंगे गाड़ी को पागलों की तरह भागेगी, आप जैसे मर्जी भगाइए पागलों की तरह भाग जाएगी गाड़ी, मजा आ जाएगा आपको एक बार। तो साथ ही जो ट्रांसमिशन दे रखा है इसके अंदर डीसीटी दे रखा है। अब डीसीटी क्या चीज है? डीसीटी है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। अब ये ड्यूल क्लच क्या ट्रांसमिशन रहता है, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं अब भी ऑटोमेटिक हल्का सा आपको लैग महसूस होता है कि हाँ भी गियर शिफ्टिंग हुई है। ये जो ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर लैग नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर होते हैं दो क्लच, एक डल गया दूसरा तैयार है, एक डल गया दूसरा तैयार है, जिसके कारण जो जो चेंजेस चेंज हो रहा होता है गियर उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता, जल्दी से वो चेंज हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट रहता है। ये जो ट्रांसमिशन है अब हर एक ब्रांड अपने नाम से बेच रहा है, अलग अलग नाम से बेचता है, हर एक ब्रांड अपने अकॉर्डिंगली बेचता है उस चीज़ को। तो ये डीसीटी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर, और इससे ऊपर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती जो कि इतनी जल्दी गियर शिफ्ट कर दे। अगर देखिए मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो दोस्तों 1500 वाली ही मेंटेनेंस है, 3500 से 4000 का खर्चा है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका। साथ ही वारंटी की जब आप बात करो तो दोस्तों हुंडई में 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी एंड रोड साइड असिस्टेंस भी दिया जाता है आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर आप बात करेंगे इसके अंदर आपको इंजन प्रोटेक्शन पावर सेविंग जैसा फीचर, बैटरी का फीचर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। प्रैक्टिकल लाइफ में फ्यूल सेविंग और गाड़ी के इंजन को डैमेज होने से बचाने वाले फीचर हैं ये। साथ ही अगर आप ऑपरेटिंग की बात करें तो इजी टू ऑपरेट वाला इंजन है, कोई ऐसा नहीं है हाशा कि ज़्यादा आपकी स्पेस खा रहा है, ऐसा नहीं, कंफर्टेबली आप यूज़ कर पाएंगे। ऑल ओवर अगर हम गाड़ी की बात करें परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छी है। एवरेज देखिए टर्बो इंजन से दो तरीके से निकलती है, या तो आप माइलेज नहीं चाहते परफॉर्मेंस चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं माइलेज। जब आप माइलेज चाहेंगे तो सिटी में लगभग 13-14 की माइलेज आ जाएगी, अगर आप हाईवे से चलेंगे तो नियर अबाउट 17-18 की माइलेज निकाल लेगी। अगर जिस टाइम आप परफॉर्मेंस चाहते हैं उस टाइम पर गाड़ी आपको सिटीज में देगी नियर अबाउट आप 10-12 की माइलेज देती है, अगर आप हाईवे से चलते हैं 15 की माइलेज निकाल देती है ऑटोमेटिक गाड़ी। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों रिव्यू करते हैं कब आपको एडवांटेज है 19,99,000 लगाने का एक्सरूम। तो दोस्तों ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी हुई है जो ड्राइविंग के शौकीन है, मतलब कि आप अगर बिजनेसमैन है ड्राइविंग करते हैं लंबी गाड़ी, तो मतलब कि हाईवे पे चलते हैं रीच रास्ता है जल्दी कवर अप करना चाहते हैं, उनके लिए बनी है गाड़ी। पावरफुल गाड़ी है ये, ट्रांसमिशन भी अच्छे से आपको डीसीटी मिल जाता है, इजीली गियर शिफ्टिंग होता है, उनके लिए बहुत अच्छा आपको प्लस पॉइंट देगी गाड़ी। या फिर आप सोच रहे हैं कि भाई लंबे समय यानी 10-12 साल के लिए गाड़ी रखनी है तो मतलब कि उस टाइम पे बड़ी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत लोडेड फीचर यानी अडास फीचर जो फ्यूचर में आने वाला है, मैंडेटरी भी हो सकता है किसी टाइम पे आने पे। और इंटीरियर की बात करेंगे, बॉस का म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे, क्लस्टर की बात करेंगे, डीफॉगर की बात करेंगे, लॉयस की बात करेंगे, टॉप नॉच लोडेड फीचर, मतलब आज अगर आप ऑन रोड 22 लाख रुपए भी लगा देते हो तो 10 साल तक आपको ये जस्टिफिकेशन करेंगे, आपको मतलब हर साल का आपको 2-1 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो बहुत जस्टिफाई है ये गाड़ी। तो ये आपको उस टाइम पे मैटर करता है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या फिर अगर आपकी ड्राइविंग सिटीज में ही ज़्यादा रहती है उस टाइम पर नॉर्मल ड्राइविंग लेती है तो उस टाइम पर आप IBT भी ले सकते हैं, उस टाइम पर DCT जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइविंग भागने वाली ज़्यादा चलाना पसंद करते हैं, गाड़ी फंक्शनल ड्राइव पसंद करते हैं, उस टाइम पर आपको DCT लेना बहुत समझदारी वाला डिसीजन रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो क्रेटा SX ऑप्शनल DCT की? पेज को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, योर कार एडवाइजर YouTube का नंबर 1 चैनल। दोस्तों थैंक यू।